नमस्कार अम्बरीजनों, आप देख रहे हैं सीओटी पाठशाला। आपसी का बहुत बहुत स्वागत है। सीओटी पीजी के थ्रू बीएचओ पीजी 2024 का काउंसलिंग चल रहा है। पूरा एडमिशन प्रोसेस आप लोगों के लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं समस्याओं से भरा हुआ है, जिसके लिए लगातार हम लोग आपके लिए वीडियोज ले आ रहे हैं, आपके समस्या का समाधान आप तक पहुंचा रहे हैं। सो प्लीज, अनुरोध है, निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि इस चैनल का जो बेल आइकन है वो प्रेस होना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी जो बातें हैं अगर आपको नहीं समझ में आ रही हैं और उसके लिए मैं वीडियो लेके आ रहा हूं तो उसका नोटिफिकेशन नहीं गया तो मामला गड़बड़ हो सकता है। क्योंकि अभी सिचुएशन इस जगह पे है कि 24 घंटे के अंदर कोई ऐसा नोटिफिकेशन भी हो सकता है जो आप तक पहुंचनी बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है। नोटिफिकेशन छोटा, एडमिशन छोटा। जैसे कि किसी का पेमेंट अगर छूट गया तो भूल जाओ, आपका अपना एडमिशन भी भूल जाओ। तो प्लीज आपसे निवेदन है कि बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्चुअली बीएचयू पीजी में जिन लोगों को भी कोर्स एक्सेप्टेंस का लिंक आया हुआ है कि आप कोर्स एक्सेप्ट करते हो कि नहीं करते हो, और वो कोर्स एक्सेप्ट कर लिया है तो फाइनली नेक्स्ट स्टेप क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बच्चों को डाउट ये है कि क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाके सेंटर पर कराना पड़ेगा, ऐसा कहीं नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब ये है कि जो डॉक्यूमेंट आपने काउंसलिंग के टाइम पे अपलोड नहीं किया था उनके पोर्टल पे, वही डॉक्यूमेंट अब वो प्रोफेसर जो आपके डिपार्टमेंट के हैं, जिनकी ड्यूटी लगी है, वो चेक करेंगे। और आपने जो भी डॉक्यूमेंट वहां पे अपलोड किया है वो डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो प्रॉपर आपको एक मेल करेंगे। मेल ये करेंगे कि आपका पांचवा और छठा सेमेस्टर का मार्कशीट नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं। तो आप लोग नहीं है तो उसकी जगह पे जो पांचवा और छठा का एडमिट कार्ड है, जो सेमेस्टर का एडमिट कार्ड आपको मिला होगा, वो एडमिट कार्ड आप उन्हें भेज सकते हो। समझे कि नहीं? मतलब उन्हें ये समझ में आ जाए कि पांचवा और छठा एग्जाम आप दिए हो, अपियर हुए थे, बस रिजल्ट नहीं आया है चूंकि आप अपियरिंग के स्टूडेंट हो। तो उनको कुछ ऐसा चाहिए, अगर है तो आप उसको भेज दो। नेक्स्ट है, आपसे वो लोग लेटेस्ट इनकम और रिजर्वेशन सर्टिफिकेट मांगेंगे। अगर आप बनवा लिए हो, लेटेस्ट है, तो आप भेज देना उनको। अदरवाइज आप उसमें रिमार्क में एक मैसेज होता है उसमें लिख के भेज देना कि सर अभी अवेलेबल नहीं हुआ है और हम लोग अंडरटेकिंग दिए हुए हैं। मतलब कहने का ये है कि आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वो लोग भेजेंगे क्वेरी के तौर पे कि भाई देखो ये आपके पास नहीं है, तो आप उनसे क्वेश्चन पूछ भी सकते हो। सिंगल मैसेज डालने के लिए वहां पे बॉक्स बना हुआ है, आप जब डॉक्यूमेंट उन्हें भेजोगे तो उसमें लिख के भेज भी सकते हो, अपना प्रोसेस लिख दो कि सर हम ये डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं ये, क्योंकि देखो एडमिशन किस बेसिस पे नहीं होगा ये प्रोसेस जानो, एलिजिबिलिटी के बेसिस पे नहीं होगा। जैसे कि आप अगर बीएचयू से एमए करना चाहते हो हिंदी सब्जेक्ट से, अब यूजी में आपका अगर हिंदी नहीं होगा तो लोग आपसे हिंदी पोस्ट में, मतलब पीजी हिंदी आपको सीट नहीं देंगे। तो अगर आपने फिर भी पेपर दे लिया, फॉर्म डाल दिया, तो वो लोग आपसे सेमेस्टर का रिजल्ट मांग के चेक करेंगे कि आप हिंदी दिए थे कि नहीं, यूजी में किए होगे नहीं ऑनर्स के तौर पे, फिर देखेंगे हिंदी तो है ही नहीं, तो आपको फिर बोलेंगे कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो फुलफिल ही नहीं कर रहे हो। तो इस तरीके से बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी वो लोग चेक करेंगे और डॉक्यूमेंट में बहुत बड़ा मेजर इशू आएगा तभी आपको रिजेक्ट करेंगे। कुछ लोग आज रिजेक्ट हुए हैं, मेरे को कॉल आया था। एक इशू ये भी आएगा कि सर हमारे यहाँ सेमेस्टर नहीं होता, हमारे यहाँ ईयरली होता है, अब हम इनको कहां से सेमेस्टर का ला के दें? तो भाई आपके पास जो ईयरली है आप ईयरली उनको भेज देना, कोई दिक्कत नहीं है। आप उनको ईयरली ही अपना पीडीएफ बना के वहां पे अपलोड कर दो, डॉक्यूमेंट लिंक कर दो, बात बन जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक सीरियस मुद्दा है, लेकिन अगर आपका डॉक्यूमेंट सही है तो आपका एडमिशन होना तय है। जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आ जाता है उसके बाद आप क्या पाओगे, आपको एक पेमेंट लिंक आएगा और उस पेमेंट लिंक का एक प्रॉपर वीडियो जो है मैंने बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाके देख लो। तो ये दो मेजर प्रॉब्लम बच्चों के बहुत ज्यादा हो रहे थे, बहुत ज्यादा इंक्वायरीज आ रही थी, मैं सॉर्ट आउट कर दिया। क्या क्या कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफलाइन कोई काम नहीं है, वो ऐसा नहीं है कि आपसे फिर से किसी पोर्टल पर जाके अपलोड करना है। वो लोग खुद, ऐसा भी हो सकता है किसी से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ मांगा ही ना जाए, डायरेक्टली वेरीफाइड लिख के आ जाए, ऐसा हो सकता है, क्योंकि आपने पूरा डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है, वो भी सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, तो ऐसा हो सकता है। सो प्लीज आपसे निवेदन है कि आप लोग अब अपनी पूरी पैनी नजर जो है वो अपने पोर्टल पे लगा के रखें और मेरे चैनल पे इस वीडियो के बाद मेरे आने वाले हर वीडियो को देखो और इस चैनल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लो। जब भी मैं वीडियो डालूं उसको तुरंत देखो, किसी भी टॉपिक से हो तुरंत देखो, और अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो आप श्रद्धा से कॉमेंट कर दो। तो मुस्कुराते रहिए, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। जाते जाते मैं पूछना चाहूंगा, आपका फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा है, आपको कौन सा खेल खेलना बेहद पसंद है, आप वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं इस वीडियो को लास्ट तक कितने लोगों ने देखा है। मुस्कुराते रहिए, मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा लाभप्रद हुआ होगा और हमारा चैनल जो है वो काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। आप भी इस तेजी में, इस बहती गंगा में
हाथ नहीं धोने, मतलब बहती गंगा में आप भी दिया जला लो। मैं चाहूंगा कि सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो हर महादेव।